अगर कोई भी पुराना ड्राइवर देख रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। चल। तो भाई आए दोबारा उसी टोल पे आके हमारा पंगा पड़ गया। बोलते कि माल ओवर होना, मैंने बोला कंडा करवा लो भाई। अगर किता मैं चंगा नहीं किता पे। अभी हम चल रहे हैं ना, एक टाइम ऐसा था ना इधर पूरी पूरी रात लग जाती थी इस रोड को पार करने में, शामली पार करने में ना। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफटीसी व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सरहंद शिव इलेक्ट्रिशियन की दुकान से। 20 अक्टूबर हो गया है यहाँ पे काम करवाना भाई। ये वाली लाइटें हमने सारी की सारी चेंज करवानी है, 2 साल हो गए हैं ख़राब हो गई, ये वाली नहीं करवाएंगे भाई सिर्फ ये। और ये रही अपनी दुकान जहाँ से हम परमानेंट काम करवाते हैं, ठीक है। अंदर वाली कोई लाइटें चेंज नहीं कराएंगे, सिर्फ बाहर वाली करवाएंगे। चलो जी आ गया हमारा सामान। ये छपाओ क्यों है? ये नहीं। ये लाइटें भाई दोनों साइड की चेंज करनी है, ठीक है। क्या जो है भाई इधर लगी हुई है आगे कश्मीर की, पीछे की ये 4 लाइटें चेंज करेंगे। ये वाली पीछे वाली 4 लाइटें चेंज करेंगे, फिर जाएंगे नहाएंगे धोएंगे। एक बंदा देखो मिलाता हूँ आपसे, ये बंदा ओके को चंद्रा मैं तेन की किया गल जड़ी है गल गलत की किया मैं तेरे नाल ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲਾਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਈ? ਉਹ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਚਲਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿ ਪੰਪ ਉਹ ਪੰਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਿਆ? 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਤ 4-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 100 ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ। ठीक है भाई अपनी गाड़ी की लाइटें वगैरह चेंज होने जा रही हैं। ये भी बंदा करवाएगा कुछ लाइटों का काम, क्या करवाएगा? मेरी ये पार्किंग लाइट नहीं चल रही है। अरे 2 साल के बाद अपनी नहीं 2 साल के पौने 2 साल के बाद अपनी गाड़ी की लाइटें जो है मैं चेंज करने जा रहा हूँ, सिर्फ बॉडी वाली साइड वाली, ऊपर वाले इशारे नहीं करूँगा, वो फजूल खर्ची वाली बात है। क्योंकि उसके इशारे जो मेन हमें ज़रूरत है वो चलते हैं, बाकी तो हल्की हल्की वो भी चलती है। हॉर्न चेक करवाएंगे, थोड़ा हॉर्न ठीक नहीं चल रहा है, फिर उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। इस बार मन था कि जो घर पे बिल कप पड़े हैं डाल के आए, पर टाइम नहीं लगा। अगले चक्कर पूरी गाड़ी में बिल कप दिखेंगे। बताना भाई बिल कप लगाएं कि नहीं लगाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, कौन पूछ रहा भाई? बिल्कुल लगाओ बिल कप। पहले से ज़्यादा आज गाड़ी चला के आया हूँ मैं जम्मू से, धीरे धीरे मुझे को मतलब ठीक हो रहा हूँ मैं, अब अपनी फार्म में आने वाला हूँ दोबारा। फार्म में जाएंगे तो फिर उसके बाद जाके सीमेंट पे जाके सोनामर्ग में बैठेंगे, फिर उधर मारेंगे पॉलिश। और आज इस बार हमको भी कर दिया आपने, सीमेंट में नहीं जाना है, नहीं जाना। रेट अच्छा होगा तो लगा लेंगे चक्कर, नहीं तो नहीं जाना ही नहीं है, बिल्कुल ही टोटली नहीं जाना। पता है कितनी गाड़ी की हालत खराब होती है। वाली लाइटें लगवा रहे हैं भैया, हम पहले दूसरी थी अब ये वाली लगाई है, ये वाली खराब हो चुकी थी कुछ कुछ बीच में, तो इसलिए हमने ये चेंज ही कर ली है। देख सकते हो आपके सामने है 1, 2, 3, 4, 5 पीछे भी, पीछे की भी चेंज करवा दी। हो गया भाई अपनी गाड़ी का सारा जो भी इलेक्ट्रिशियन का काम था, हो गया भाई अपना सारा इलेक्ट्रिशियन का काम जितना भी छोटा मोटा था। 3000 उस चक्कर लगाया था, 3000 अब लगा दिया, 6000 सिर्फ लाइटों लाइटों का खर्चा हो गया भाई। अगर एक ही बार कराते ना इकट्ठा कम खर्चा होना था। चलो कोई बात नहीं, काम तो साथ साथ में होना चाहिए छोटा मोटा। आगे यहाँ पे सामने है टाटा का गैरेज, वहाँ से फिर उसके बाद आगे किसी ढाबे पे लगा के रुकेंगे। चलो तो रहा सामने टाटा का गैरेज, पार्टी जूरी की हम लोगों ने ले ली है साथ में अपने, और अब जा रहे हैं सीधा ढाबे पे जाके रुकेंगे, थोड़ा सा रॉन्ग साइड होके जाना पड़ेगा। आज सो भी नहीं सका, आज सोएंगे, हम सोएंगे, ये उस्ताद जी गाड़ी चलाएंगे पूरी रात आज। यहाँ पे ऑलरेडी दूसरी गाड़ी टायरों की साइड वगैरह चेंज करवा रही है, अब हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पे। पहले खाएंगे खाना क्योंकि
सुबह से खाना नहीं खाया हुआ है। खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाने के बाद फिर हम रेस्ट वगैरह जो भी करनी हो करें। चले के खाना हो जल्दी आइए, खाना खा के फिर। निर्मल ढाबा जिसपे आते हुए हमने खाना खाया था, ये वो येल्ला ढाबा है भाई, बहुत अच्छा ढाबा है भाई। तो निकल आए भाई फाइनली ढाबे से, और रात पड़ चुकी है, रात का टाइम हो चुका है भाई, 7 बजे निकले हम लोग, और ये अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू। पूरा दिन आज का हमने निकाल दिया सरहंद में, और आगे सोए हुए थे निर्मल ढाबे पे, जैसे कि आप लोगों ने देखा हो यहाँ पे खाना खुना खा के सो गए थे, और अब शाम को चले हैं 7 बजे। अब हमें जाम मिलने वाला भाई भयंकर तरीके से जीरकपुर में, फिर उसके बाद गाड़ी जाएगी टपोड़ा। तो चले निकलते हैं और कंटिन्यू सफ़र रखते हैं, थोड़ी देर तक चलाएंगे हम, उसके बाद उस्ताद जी चलाएंगे पूरी रात, पूरा दिन, कल का पूरा बदला लेंगे इससे पूरा घुमा के। तो भाई आए दोबारा उसी टोल पे आके हमारा पंगा पड़ गया है, बोलते हैं कि माल ओवरलोड है, मैंने बोला कंटा करवा लो भाई अगर वो ओवरलोड है तो। अभी कंटा करवाया, माल हुआ सारा टोटल 37। अब गए हैं पीछे जाके बिल्टी लाने, बिल्टी दे के फिर निकलेंगे यहाँ से। वेलकम टू हरियाणा, अम्बाला पहुंच गए भाई, और यहाँ से एंटर होने लगे हम लोग अम्बाला की, अम्बाला की सरहद यहाँ से स्टार्ट हो जाती है भाई। बाईपास में चल रहे हैं भाई हम लोग इस टाइम, और यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर के बाद हम इस बार नया रोड लेने जा रहे हैं। 2.5 किलोमीटर के बाद शामली वाला रोड पकड़ेंगे, शामली मेरठ हापुड़ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से रह गए टोटल देख सकते हो आप 2.5 किलोमीटर पुराने रोड पे जाएंगे इस बार भाई, पुराने रोड पे जा तो मुजफ्फरनगर होके भी जा सकते हैं, पर नहीं हम जाएंगे सीधा मेरठ हापुड़ होके। जाएंगे भाई हम नीचे मेरठ का बोर्ड लगा है, मेरठ शामली मेरठ, मेरठ शामली पानीपत सीधा दिल्ली भी सीधा, यहाँ से हम एग्जिस्ट ले लेंगे भाई, NH 44 को छोड़ देंगे भाई। भाई करनाल, और यहाँ पे टायर वगैरह चेक हो रहे हैं भाई, एक बंदा वो पीछे लगा के खड़ा है, अभी तक बंदा सुता है ये, तो चले यहाँ चेक वगैरह करके फिर आगे से डीजल डालना था, डीजल डाल के फिर निकल जाएंगे भाई। बंदा आ रहा अकड़ अकड़ के भाग आया, कम से कम इतना तो बता दो भाई कहाँ से घूमना है, आपको सब पता हम कौन होते बताने वाले। क्या भाई पंप यहाँ से डालेंगे डीजल, क्योंकि हमने जम्मू से टैंकी फुल करवाई थी, तो अब यहाँ शामली से पहले एक बार दोबारा बॉर्डर से पहले एक बार का पंप है, यहाँ से डीजल डलवा के चेक कर लेते हैं गाड़ी में कितना डीजल आता, पर ये बंद है भैया, बंद है, खुला। आ जा। ये बाकी की गाड़ियाँ जो कि डीजल नहीं डालने वाली है, हम ही डालेंगे सिर्फ। पड़ हो गया भाई इस पंप पे, तो डीजल ही खत्म हो गया है, चले आगे देखते हैं कोई और पंप, उस पर डालते हैं जाके। इस पंप पे नहीं हमें डीजल मिला, अब हम जियो के पंप से डीजल डालेंगे भाई।
कितना डीजल पड़ सकता है भाई, शर्त लगाओ। शर्त इधर इधर रुकेंगे, मैंने मीटर देखा ही नहीं। हाँ बताना कितना पड़ सकता है मीटर, क्यों जम्मू से चल के यहाँ तक आपको बताइए कितना पड़ना चाहिए। लगभग पड़ जाएगा 200 से कम ही पड़ेगा। ज्यादा दफा हो 160 से 170। हाँ मेरे हिसाब से 140 पड़ेगा, देख लेते हैं कितना पड़ रहा है। शामली से पहले करनाल पार करके मतलब हरियाणा में डीजल डाला है आगे। इधर से पहले जमाने में तो इधर से डालते थे, पहला जमाना सही बात है। तो यहाँ आके 150 लीटर डीजल पड़ गया भाई गाड़ी में, 13,000 का 87 रुपये 52 पैसे लीटर डीजल है यहाँ पे। चलो भाई निकलो उस्ताद जी, इश्तियाक मारा ना इश्तियाक नो। अभी हम चल रहे हैं ना, एक टाइम ऐसा था ना इधर पूरी रात लग जाती थी इस रोड को पार करने में, शामली पार करने में ना बहुत बड़ा एक हमारा मिशन रहता था शामली पार करने का। हम तो बहुत कम आए हैं इधर, जो लोग इधर चलते थे ना उनका एक मिशन रहता था कि शामली पार करनी है भाई। शामली में इतना जाम लगता था ना कि हालत खराब है। अब तो सुना है कि बाईपास वगैरह बन चुका है। अब तो पूरा बाईपास में पिछली बार मैं फर्स्ट टाइम गया हूं, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम के बाद आया हूं। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले साल बाइक आ गया था। तो ये वाला रोड पूरा बजरी वाली गाड़ियों से रेते वाली गाड़ी से भरा हुआ होता था और सिंगल होता था, जाम लग जाता था, ये पंगा रहता था भाई। ठीक है, बुरा हाल होता था पूरा। ये मसला हुआ करता था भाई इस रोड का। और अगर कोई भी पुराना ड्राइवर देख रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई कि करनाल से लेके शामली तक वाला रोड कैसा रहता था और इसमें कैसी कैसी मुश्किलें आती थी। बाकी पता नहीं, मैंने खुद देखा है एक बार हम शामली से आ रहे थे तो शामली पार बाजार पार करने में हमें 2 दिन लग गए थे भैया, इतना जाम रहता था, खड्डे रहते थे, बुरी हाल थी, पूरा हाल था। अब तो मजे हैं यार, बोलता हूँ दिल से सलूट है नितिन गडकरी को जिसने इतना सुधार कर दिया भैया। सही बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल। 16 17 17 17 की बात है भैया, मैं आया था 12 टेरी गाड़ी लेके, इतना बुरा हाल था इस रोड का, मतलब जो इसको पार कर जाता था ना समझो कि वो जीत जाता था, जंग जीत जाता था। खत्म होती है अभी हरियाणा और यूपी की, यूपी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ, कोई ये है ना तभी ये जमुना है ना, हाँ ये जमुना है जमुना, और यहाँ पे आदि खत्म हो जाती है हरियाणा की और स्टार्ट इस दरिया के उस पार से स्टार्ट हो जाती है यूपी। सिंगल पुल होता था उस साइड वाला, वो जो लाइटें दिख रहे हैं गाड़ियां आ रही हैं वो वाला होता था, ये अब डबल हो गया है। बहुत तरक्की हो गई है भाई, बहुत तरक्की हो गई है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, खास करके यूपी में ठीक हुआ। यूपी में तंदी तभी रोड पर गई, नेशनल हाईवे में भाई बहुत तरक्की हुई है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर डाउन हो गया है, पहाड़े डाउन हो गए हैं, बुरी हाल हो गया है। वही आ चुके हैं हम लोग शामली में और यहाँ पे रुके हैं एक ढाबे पे, तो चले अपना ब्रेकफास्ट डिनर शिनर जो भी अभी करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से भाई। दोनों तीनों गाड़ियाँ लगा दी हमने यहाँ पे, तो खाते खाना फिर निकलते हैं। रात के 3 बज गए भाई, सोने भी नहीं देते हैं हमें, उठ के आके चलानी पड़ती है गाड़ी क्योंकि इनकी बस हो चुकी है एक ही निंद्रा मारने के साथ साथ मिर्जा की। जम्मू से चल रहा हूँ। हाँ जम्मू से चल रहा है, फट गई है जम्मू से चलने। आपसे
आराम से हाँ। पूरी नाइट सोए भैया बीमार बंदा हूँ। फिर क्या फिर भी बराबर चल रहे हो तुम लोगों के, क्या बात कर रहे हो। भाई हम लोग चल रहे हैं एनएच 34 मेरठ से हापुड़ वाले रोड पे, जो कलकत्ते वाली गाड़ियां वो इसी रोड पे चलती हैं मेरठ से हापुड़, हापुड़ से सीधा आगे आप लगा लो किधर किधर से होके निकल जाती हैं अलीगढ़ वगैरह होके। तो हमने यहाँ से एक ये वाला रोड छोड़ के दूसरा रोड पकड़ना है भाई, एनएच 34 को छोड़ेंगे, बताता हूँ कौन सा पकड़ेंगे। अरे भाई हाफ दिल्ली से जो सीधा मुरादाबाद की ओर एक्सप्रेस जाता है हाईवे नंबर AH 299 नंबर रोड पकड़ेंगे भैया, चले। बोर्ड लगा हुआ मुरादाबाद का, ये जो लगा हुआ ये पुराना वाला बोर्ड लगा हुआ है, ये पुराना रोड है ना वो वाला लगा, जो नया वाला है वो सीधा जाके थोड़ा सा आगे जाके फिर जाके घूम